बोरुंदा कस्बे में पीएनबी बैंक की शाखा प्रबंधक बीएम ईरानी ने कहा कि ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से की गई सेवा को हमेशा याद किया जाता है। पीएनबी बैंक की शाखा प्रबंधक बीएम ईरानी का बोरुंदा से पदोन्नत होकर जयपुर स्थानांतरण होने पर आयोजित विदाई समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राहक शाखा के लिए सर्वोपरि व्यक्ति होता है, उनका समय रहते समस्याओं का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। ईरानी ने 3 वर्ष के अधिक कार्यकाल में मिले ग्राहकों के सहयोग पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में स्थानांतर होना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, यहाँ के शांति प्रिय ग्राहक हमेशा याद रहेंगे। इससे पहले ग्रामीण ने ईरानी का माला पहनाकर नागरिक अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बीएम ईरानी का पदोन्नत के साथ स्थान होने के बाद नए शाखा प्रबंधक सुरेंद्र कुमार चौधरी का ग्रामीणों द्वारा माला एवं साफा पहनाकर नागरिक अभिनंदन किया गया। विदाई समारोह में पूर्व सरपंच हनुमान सिंह राठौर ने शाखा प्रबंधक सुरेंद्र कुमार चौधरी, अशोक कुमार गहलोत, लक्ष्मण सिंह देवल, राजेंद्र टाग, भरत भाटी, कृष्ण कुमार ने समारोह को संबोधित किया। इस दौरान युवा उद्यमी सौरभ लाखोटिया, कुलदीप सिंह राठौर, रामकन फड़ाक, दुर्गाराम सुतार, रामकन देथा, बुद्धाराम देवासी, जगदीश टाग, अक्षय शर्मा, लक्ष्मण भाटी, महेंद्र भाटी, देव कुमार गोयल, भरत भाटी, सीए वीरेंद्र सोनी, सतीश चौहान, पप्पा राम लोहिया, चंद्र सिंह शेखावत, कालू कुरेशी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। मई 2019 में मैंने ज्वाइन किया। मेरे लेगम से शहरी वातावरण से आया था, गांव का वातावरण फर्स्ट टाइम मन में डर था पहले कि कैसे, लेकिन जैसे ज्वाइन किया धीरे धीरे महीना दो महीना समझा परखा है क्या कल निकलो ऑफिशन और किस तरह की सेवाएँ चाहिए यहाँ पे, क्या आवश्यकताएँ हैं यहाँ के लोगों की, कोशिश की अपनी तरफ से पूरा करने की, कामयाबी रहा लोगों के सहयोग से। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे एकदम शांत में वातावरण है, यहाँ का जो एटमोसफेयर है एकदम शांत है, किसी में कोई एग्रेस वो नहीं, अग्रेशन नहीं है, मतलब क्रोधित होना तो मैंने देखा ही नहीं कि किसी हमारे ग्राहक में कभी भी। मेरे आज ईरानी साहब के स्वागत से ये लगता है कि बोरुंदा में इन्होंने कैसा काम किया, इनका स्वागत बोलता है कि इन्होंने कैसा काम किया, ये कहने की किसी को जरूरत नहीं है। और आगे के लिए मैं चौधरी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जिसे ईरानी साहब ने काम किया है उससे डबल काम करके और बोरुंदा को लाभ पहुँचाए, इसलिए मैं इनको धन्यवाद दूँगा और सभी पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद लेता रहूँगा मैं, और जहाँ भी ये रहें वहाँ इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही जो नए हमारे सुरेंद्र जी आए हैं श्रीमान मैनेजर साहब, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद हनुमान जी से, सरपंच साहब से भी राम राम, और अपने ईरानी सर जो भी निकल रहे हैं यहाँ से एज ए प्रमोशन होके मुख्य प्रबंधक बने और जयपुर में इनका प्रमोशन हुआ है, तो उनके लिए मेरी तरफ से सबकी तरफ से तालियां। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपका मैं कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, जितनी उमंग से आप ये आयोजन किया है, और इसी मुझे पता था कि यही चीज़ होने वाली है, तो बिना कोई इन्विटेशन के ये जो चीज़ मैं आज सीखने के लिए आया हूँ वही चीज़ है कि यहाँ बोरुंदा सिर्फ आपकी वजह से, इन कस्टमर की वजह से ही हमारा ये सब चीज़ें होती है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से अब सुरेंद्र सर जो नया है उनका भी साथ ऐसे ही आप बनाए रखें, और सर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना है। और जैसा कि मैंने 2 साल इनके साथ 1 साल ही काम किया था, बहुत अच्छा मुझको सीखने के लिए मिला, और कुछ लास्ट पल मैं बोरुंदा में इनके साथ एंजॉय करने के लिए आया था, तो बोरुंदावासियों को धन्यवाद और सर आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना। मेल मिलाप जिस तरह का कार्यशैली है उस चीज़ को मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, और ये चीज़ मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि भविष्य में ऐसा ही रहेगा, और बैंक की तरफ से जो भी हो सके जो भी सुविधा होगी ज़्यादा से ज़्यादा बोरुंदावासियों के लिए दी जाएगी, और जो कुछ भी हम कर सकते हैं आपके लिए हमेशा सारी सेवाएँ तत्पर रहेंगी। ईरानी सर को मुख्य प्रबंधक बनने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, और आने वाले समय में यही कामना करते हैं कि और अपने उनका उज्ज्वल भविष्य बना रहे। पंजाब शब्द का नाम आते ही दिमाग में एक जहन में आता है एक समृद्ध हरियाला और मजबूत इरादों वाला एक शब्द, तो ये जो बैंक है अपने आप में बहुत ही मजबूत है और
उसका कार्य भी जितना मजबूत इरादों वाला बैंक बना है, कार्य पद्धति भी इनकी बहुत ही अच्छी है, जिम्मेदारी भी इनके ऊपर बहुत बड़ी है, और इसमें जो भी मैनेजर या कार्य करने के लिए जो पधारे हैं उन्होंने अपना अथक प्रयास किया ही है, जिसकी वजह से आज बैंक इतना आगे बढ़ा है। और इसकी स्थापना में हमने भी, सबल शिक्षण संस्था ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी, तो जो भी स्टाफ मैनेजर या सभी स्टाफ पदार्थ हैं, हमें बहुत खुशी होती है उनके साथ मिलकर। और इनानी साहब ने बहुत बढ़िया कार्य किया है, एक निर्भीक और सहयोग देने वाले स्माइल, हंसकर के ग्राहकों का अभिवादन करना, जब हम शांत होकर के भी कुछ कह सकते हैं तो चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो अच्छा काम हो जाता है, शांत होकर के बढ़िया कर सकते हैं। और मैं बताऊँ सर, ये बोरुंदा एक हमारा बोरुंदा एक ऐसा है जहाँ पे रोजी रोटी के लिए या सेवाओं के लिए जो भी आता है बोरुंदा उसको अपना लेता है, जैसे आमची मुंबई जैसे हमारा बोरुंदा, तो ये बहुत ही अच्छे हैं, ध्यान के लोग हैं। मैं भी बोरुंदा के पास ही मेरा गाँव है, 25 सालों से यहाँ सेवाएँ दे रहा हूँ, और मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि मैं बोरुंदा में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। तो प्रबुद्ध नागरिकगण, पंजाब नेशनल बैंक के समस्त स्टाफगण, आज बहुत ही खुशी का विषय है कि इनानी साहब यहाँ से जो है प्रमोशन लेकर मुख्य प्रबंधक के रूप में पदोन्नत होकर यहाँ से विदाई ले रहे हैं। थोड़ा दुख हमारे बीच रहेगा कि ऐसी सेवाएं देने वाले व्यक्ति जो हमारे बीच से कहीं और जा रहे हैं, तो ये तो एक व्यवस्था का सिस्टम है कि भाई जो आएगा उसको आगे प्रमोशन लेकर या पदस्थापन होकर स्थानांतरित होकर जाना होता है, लेकिन 2 साल आपको हो गए यहाँ आए हुए और मुझे जुड़े हुए इस बैंक से 2 साल हो गए लगभग, जब से आप आ रहे हैं मैं भी इस बैंक से जुड़ चुका था, उससे पहले मेरा काम यहाँ कम पड़ा। मैंने पहली बार देखा है कि एक मैनेजर पोस्ट पर रहते हुए आपने छोटे से छोटा काम खुद अपने हाथों से करना और इतना व्यस्त रहना, मैनेजर पद पर रहते हुए खुद काम करना और समस्त स्टाफ को कोऑपरेट करना, जैसा आप अभी बता रहे थे कि यहाँ के लोग शांत हैं, तो मैं ये सारा उसका आपको देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ही ये सब लोग ग्राहक ने संतुष्ट होकर और आपने हमेशा सेटिस्फाई किया है और अपने हाथों से काम किया है। निष्ठावान व्यक्ति, सेवाभावी और मिलनसार, जो एक सेवा में जो किसी भी भेदभाव और भी कई चीज़ें जैसे हम कहते हैं जातिवाद, भेदभाव या एक ऑफिसर होते हुए एक ईगो रखना, ऐसा कोई स्वभाव आप में कभी मैंने या हमने नहीं पाया होगा, शायद आप लोगों ने भी सेवाएं ली इस बैंक की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बड़ी निष्ठा से सेवाएं दी है